एक बड़ी अच्छी लाइन है गोपालदास नीरज की कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए साख साख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र सारी निकल गई। हमारे साथ भी अक्सर यही होता है कि जब तक नींद खुलती है हमारी ज़िंदगी आधी निकल चुकी होती है, और जितनी चाह है उम्र तो निकलती है लेकिन चाह नहीं निकल पाती हमारी। उसके आगे क्या और अच्छी लाइन है कि और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवा गुजर गया और गुब्बार देखते रहे, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुब्बार देखते रहे। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत टचिंग लाइन है। अक्सर हम लोग भी यही करते हैं अपने लाइफ में कि हमारे पास ड्रीम तो होता है, सपने सबके पास होते हैं कि अच्छा जीवन जिए, एक बड़ा पद पे आए, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। अक्सर एक दो छोटी असफलताओं के कारण हम अपना ड्रीम चेंज कर देते हैं। एक बड़े अच्छे उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि आपको पटना से दिल्ली जाना है, आप रेलवे स्टेशन पर गए हुए हैं और ट्रेन में कुछ खराबी आ गई, तो आप क्या करेंगे? दिल्ली की जगह कलकत्ता चले जाएंगे? नहीं, आप ट्रेन चेंज करेंगे, अपना डेस्टिनेशन चेंज नहीं करेंगे। अक्सर हम लोग लाइफ में क्या होता है कि अपना ड्रीम चेंज कर देते हैं एक छोटी असफलता आने के बाद, अपना तरीका नहीं चेंज कर दे। होगा ये कि आप तरीका चेंज नहीं कीजिएगा, दूसरा ड्रीम बनाइएगा, उसमें लगिएगा, उसमें भी असफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो बेसिक जो तैयारी की अप्रोच है, जो सफलता पाने के लिए जितना अपने आप को जलाना है तपाना है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि घोड़ा लंगड़ा हुआ है, घुड़सवार लंगड़ा नहीं हुआ है। आप लंगड़े नहीं हैं, आपका घोड़ा लंगड़ा है। घोड़ा चेंज कीजिए, आप ज़रूर सफलता पाइएगा। थोड़ा सा मेहनत करने के लिए आप अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। असफलता और फ्रस्ट्रेशन ऐसा है कि ये जो जीवन है हमारा, इसमें एक औसतन 4,500 संडे हम लोग को देखना है, और ऑलमोस्ट हम लोग 1,200-1,500 संडे देख चुके हैं। कुछ और बस संडेज आना है जीवन में, जीवन ख़त्म हो जाएगा। और स्टीव जॉब्स की एक लाइन है कि आई वॉन्ट टू पुट द डेंट इन द यूनिवर्स, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो अपनी पहचान छोड़ के जाऊँगा। बस वो उसी लाइन पे काम कीजिए कि आए हैं यहाँ पे तो पहचान छोड़ के जाएंगे, एक साधारण बन के आए हैं और साधारण बन के चले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दुनिया में। आपको बस फ़र्क पड़ेगा कि आपने इस जीवन को ख़राब कर दिया अपने। और जीवन में आप सभी कुछ सभी चीज़ें पा सकते हैं। मैं अपने 10-12 साल की असफलताओं के बाद जब मैंने सफलता पाया तो मुझे यही समझ में आया कि बहुत कठिन नहीं था पाना। बस अपने दिमाग को ट्यून करना है कि मुझे इस चीज़ को पाना है तो पाना है। ये जिस दिन आपके अंदर वो आवाज़ आ गई कि मुझे ये पाना है, मुझे ये चीज़ हासिल करना है तो करना है, इसके सिवा दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। जब तक आपके दिमाग में अल्टरनेट रहेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मिला तो मिला, एक बार कोशिश करके देख। BPSC और UPSC कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, उससे बड़ा एग्ज़ाम है हमारा जीवन। और जब जीवन में हम सफल नहीं हो सके तो BPSC और UPSC कुछ नहीं है। जीवन में सफल होने का तरीका यही है, मेहनत करना पड़ेगा। नींद चैन को त्यागो तुम, जो एक विवेकानंद की लाइन है, उसी लाइन पर काम कीजिए। थोड़ा सा एक कम्फर्ट जोन से बाहर कदम निकालिए, थोड़ा सा कदम निकालिए। तो किसी भी फील्ड में आप सफलता पाना चाहते हैं, अपने आप को एक बार झोंक दीजिए, एक बार उतना तपा दीजिए, देखिए कैसे हीरा नहीं बनते हैं आप लोग। मैं ये लिखी लिखाई लाइन नहीं, मोटिवेशनल लाइन नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ जीवन में हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप कीजिए, असफलता के बोझ से बाहर निकलिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कम हैं, आप भी उतने ही इक्वली आप डिजर्विंग हैं जितना कि जो आज के डेट में सफल हैं। बस आप में और उनमें अंतर यही है कि आपने अपने आप को नहीं पहचाना है, आपने अपनी क्षमताओं को नहीं पहचाना है कि आप कौन हैं। जैसे जब तक मैं अपने राहुल सिन्हा को नहीं पहचान पाया था कि राहुल सिन्हा कितना डिजर्व करता है, तब तक मैं एक असाधारण और बिल्कुल क्या कहते हैं जीवन के अपने बिल्कुल निचले तल पे था। जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ अपना पोटेंशियल कि नहीं मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा, अपने मेहनत किया मैं सफल हो गया, तो आप में भी है, आप में भी उतनी क्षमता है। एक बार मेहनत करके देखिए, एक बार अपनी पूरी जान लगा के देखिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक बार पत्थर तबीयत से उछालिए, देखिए कैसे सफलता मिलती है। चलिए, धन्यवाद।